विराट कोहली और गौतम गंभीर को बाहर करो, इन दोनों पर बैन लगाओ। ये जुर्माने से इन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जुर्माने क्या है, इनकी सेहत पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो 2013 में लड़ चुके हैं, तब भी काफी थूथू हुई थी। वो 2016 में दो बार लड़ चुके हैं, तब भी काफी हुई थी। और विराट लगातार लोगों से लड़ रहे हैं, गंभीर की भी आदत हो गई है। उधर नवीनुल हक ने भी माफी मांगने से इंकार किया था और बार बार कहा कि वो गालियां नवीन को लेकर भी आए कि उन्होंने कहा है कि वो गाली खाने नहीं आए आईपीएल में, वो मैच खेलने आए हैं और कोई गाली देगा तो पलटकर उसे जवाब देंगे। उसका ऑडियो जो है अब निकलकर उसकी बातचीत निकलकर आ गई है। हुआ कुछ ये था कि गौतम गंभीर ने पूछा तू क्या कर रहा था, तूने क्या बोला, तो गंभीर के सवाल पर जवाब आता है विराट कोहली का कि मैंने आपको कुछ नहीं बोला है, मैंने उसको बोला है। तो गंभीर कहते हैं कि वो मेरी फैमिली का हिस्सा है और तू उसे गाली नहीं दे सकता है। जिसके बाद गौतम गंभीर को विराट कोहली कहते हैं तो फिर अपनी फैमिली को समझाइए कि मुझसे मत भिड़ा करें। तो गौतम गंभीर फिर जवाब देते हैं अब तू सिखाएगा मुझे, और ये पूरी घटना जो है ये रिपीट हुई है। सामने क्रम गौतम गंभीर, विराट कोहली और नवीनुल हक के बीच में होने वाली लड़ाई के चर्चे भारत से निकलकर इंटरनेशनली पूरे मीडिया पर इस वक्त गूंजते नजर आ रहे हैं, और इसमें आईपीएल खासकर भारतीय प्लेयर्स के कैरेक्टर और जो गालियां वो एक दूसरे को बकते रहे उस पर खुलकर तनकीद की जा रही है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अंदर की कहानी क्या थी, कसूर किसका है, किस खिलाड़ी ने किसकी अंपायर को शिकायत की। अब ये सारी कहानियां खुलकर मंजरेआम पर आ चुकी हैं और बाकायदा एक जराये ने जो वहां पर मौजूद था, शायद कोई खिलाड़ी था या ऑफिशियल था, उसने सारी हकीकत बयान कर दी है कि कसूर किसका था, किसने किसको क्या कहा, गौतम गंभीर और विराट कोहली के दरमियान आपस में मैच के बाद क्या कन्वर्सेशन हुई और कैसे माँ बहन की गालियां एक दूसरे को दी जाती रहीं। भारत का मीडिया लगातार ये कहता दिखाई दे रहा है कि नवीनुल हक बदतमीज है, उसी की वजह से ये सारी कहानी शुरू हुई, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो इससे यकसर मुख्तलिफ है। नवीनुल हक के बारे में तो ये बात मशहूर है कि वो मुख्तलिफ लोगों के साथ लड़ता नजर आता है और उसने इस बात का इकरार भी किया है कि मैं एक एग्रेसिव प्लेयर हूं। लेकिन जो एक और बात गुज़श्ता रोज़ ने की है, उसका ये कहना था कि मैं आईपीएल में क्रिकेट खेलने आया हूँ, माँ बहन की गालियां सुनने नहीं, जो कि अपने आप में भारतीय क्रिकेट को शर्मिंदा करने के लिए काफी है। अब जो हकीकत निकलकर सामने आई उसके मुताबिक विराट कोहली बार बार अमित मिश्रा जो कि भारतीय टीम के खिलाड़ी हैं और उनके मुखालिफ खेल रहे थे और विराट कोहली से काफी सीनियर भी हैं, उन्हें और नवीनुल हक को बार बार माँ बहन की गालियां निकालते रहे। और अमित मिश्रा ने बाकायदा अंपायर को शिकायत भी की कि विराट कोहली बार बार नवीन को गालियां निकाल रहा है, इन दोनों के दरमियान मामला को सेटल करो नहीं तो मामला बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद वो जो जूते वाली बात है कि अपने जूते के नीचे से मट्टी पकड़कर नवीन के बारे में ये कहा गया कि तुम लोग तो मेरी जूती के बराबर हो, जो उन्होंने अपनी इंस्टा स्टोरी पर बाकायदा लगाई भी है। फिर ये बात बढ़ते बढ़ते मैच खत्म होने के बाद पहुंची तो फिर विराट कोहली और गौतम गंभीर के बारे में जब कन्वर्सेशन शुरू हुई, उससे पहले विराट कोहली को मुखालिफ टीम के एक फॉरेन प्लेयर ने पूछा कि तुम मुझे क्यों गालियां दे रहे थे, मेरा और तुम्हारा तो किसी किस्म का कोई झगड़ा नहीं था। जिस पर विराट कोहली ने उन्हें ये कहा कि तुम मुझे घूर रहे थे इसलिए मैंने तुम्हें गालियां दी। इतने में गौतम गंभीर आते हैं और उस प्लेयर को खींच कर ले जाते हैं कि इसके मुंह न लगो, इसके साथ बात मत करो। फिर उसके बाद विराट कोहली गौतम गंभीर से भी पूछते हैं कि मैंने तुम्हें क्या कहा, तुम क्यों इस मामले में पड़ रहे हो। जिस पर गौतम गंभीर का कहना था कि तुमने मेरी टीम को गालियां दी हैं जो कि मेरी फैमिली है, और इसका साफ मतलब है कि तुम मेरे प्लेयर्स को गालियां देते हो तो ये मेरी फैमिली को गालियां देते हो। तो फिर जिस पर विराट कोहली ने कहा कि तुम अपनी फैमिली को पहले संभाल कर रखो, यानी इसके बाद बीच बचाव भी हुआ, कुछ गालम गलोज भी हुई जो कि आपको बता नहीं सकते क्या एक दूसरे को माँ बहन की गालियां दी गई। तो ये टोटल कहानी है जिसमें ज्यादातर अब कसूर नजर आ रहा है वो विराट कोहली का है। लेकिन विराट कोहली के स्पोर्ट्स में सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स भी चल रहे हैं, नवीनुल हक को बुरा भला कहा जा रहा है, हालांकि पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ भी उनकी नोकझोंक हुई थी। लेकिन इस सारे मामले में जो अंदर की खबर आई है, जो एक इनसाइड स्टोरी सामने आई है, उसके मुताबिक सारा कसूर विराट कोहली का है और वो बढ़ चढ़कर प्लेयर्स को गालियां देते दिखाई दी। बहरहाल भारत के एक सहाफी ने जो कि सच्ची रिपोर्टिंग करते दिखाई देते हैं, उन्होंने भी इसी तरह की स्टोरी बताई है, उसमें क्या बदलाव है, किसका वो कसूर बताते हैं, आइए आपको उन्हीं की जुबानी सुनाते हैं। विराट कोहली और गौतम गंभीर को बाहर करो, इन दोनों पर बैन लगाओ। ये जुर्माने से इन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जुर्माने क्या है, इनकी सेहत पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इनके अंदर डर होना चाहिए, इनको पता होना चाहिए कि ऐसी हरकत भारतीय क्रिकेट को, आईपीएल को दुनिया में बदनाम करती है, और ये दोनों लगातार ऐसा करते, इसलिए मैच फाइन नहीं लगना चाहिए। अगर लगाना है तो फिर इन पर बैन लगा दो मैच का, उसके बाद देखना ये भी सुधरेंगे और इनके जैसे जोहर हैं वो भी सुधर जाएंगे। सुनील गावस्कर ने जब ये कहा तो फिर सोशल मीडिया पर चर्चाएं तेज हो गई कि गुरु क्या बीसीसीआई ने विराट कोहली और गौतम गंभीर को बहुत हल्के में छोड़ दिया, क्या विराट कोहली और गौतम गंभीर जो है वो बच गए, क्या विराट कोहली और गौतम गंभीर पर जो ये 100% मैच फाइन लगा है ये उनकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्या बीसीसीआई ने उनके बड़े अपराध को सिर्फ पैसों के मामले में बचा लिया। अब देखिए फैंस तो लिख रहे हैं कि विराट कोहली के इंस्टाग्राम पोस्ट डाल देंगे तो उनका पैसा निकल आएगा। टेक्निकल वाले कह रहे हैं कि यार गुरु ऐसे फाइन जो लगते हैं वो खिलाड़ी नहीं देते हैं,
वो मैनेजमेंट देता है, तो इनकी सेहत पर क्या असर पड़ने वाला। लेकिन बीसीसीआई ने एक्शन लिया और बीसीसीआई के एक्शन पर नवीन उल हक पर कम एक्शन लिया गया, उन पर सिर्फ 50% जुर्माना लगा, लेकिन गंभीर और विराट कोहली पर मैच का 100% लगा, जिसमें गंभीर पर 25 लाख और विराट पर 1.07 लाख रुपए जो है वो आते करोड़। लेकिन ऐसा लग रहा है कि टीम इंडिया के जो एक स्टार प्लेयर्स हैं वो इस बात से सहमत नहीं है। बहुत सारे खिलाड़ियों ने इसको लेकर खुलकर विरोध किया है और विराट कोहली की क्रिटिसिज्म हुई है कि यार इतने बड़े खिलाड़ी होकर क्या ये तुम तुच्छाई वाली हरकत करते हो, तुमको शोभा देता है कि तुम नवीन उल हक और अमित मिश्रा से जाकर लड़ाई करो, एक जो तुमसे सीनियर और एक जो तुम्हारे सामने कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है। बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे खिलाड़ियों ने दोनों खिलाड़ियों को यह सलाह दी, कहा कि विराट यार तुम अपना कद जो है ना खुद गिराते हो, इतने बड़े खिलाड़ी होकर ये तुच्छे चीजों में जूता दिखाते हो, ये करते हो। लेकिन सारे क्रिटिसिज्म से अलग सुनील गावस्कर ने कहा कि मैंने मैच नहीं देखा था, लेकिन सोशल मीडिया पर इस मैच को लेकर जब लगातार पोस्ट आने लगे तो फिर जाकर मैंने वो वीडियोस देखे और इन वीडियोस को देखकर मैं शर्मिंदा महसूस कर रहा हूं। मुझे लगता है कि ये वाकई में शर्मसार करने वाला है। इन दोनों खिलाड़ियों में, जिसमें एक खिलाड़ी ने 2 बार वर्ल्ड कप जिताया है और एक खिलाड़ी जो दुनिया का ग्रेटेस्ट बल्लेबाज है, उनकी ये हरकत शोभा नहीं देती है और इन पर जो आपने जुर्माना लगाया है, इस जुर्माने से इन पर कोई असर नहीं पड़ता। उन्होंने विराट कोहली का नाम लिया, कहा कि विराट को एक सीजन के 16 मैचों में 17 करोड़ रुपए मिलते हैं, यानी हर मैच के 1 करोड़ से ज्यादा मिलते हैं, इसमें सेमीफाइनल फाइनल इंक्लूडेड होता है। अब 16 मैच के 17 करोड़ अगर आपको मिल रहे हो और एक मैच में आपकी फीस चली जा रही है 1 करोड़ रुपए, तो इससे विराट कोहली को क्या फर्क पड़ेगा, और वो भी अगर मैनेजमेंट दे रहे तो और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें विराट कोहली ने क्या सबक लिया? विराट कोहली को कोई सबक नहीं मिला, और अगर सबक नहीं मिला तो फिर ऐसी गलतियां वो आगे भी दोहराते रहेंगे। और इसी वजह से सुनील गावस्कर को लगता है कि ये जो जुर्माने वाली बात है ये अच्छी बात नहीं है, इसको और बड़ा करना चाहिए। उन्होंने कहा मुझे नहीं पता कि कितने पैसे गौतम गंभीर कटेंगे, लेकिन जो भी कट रहे हैं इन दोनों खिलाड़ियों की सेहत पर इससे कोई भी असर नहीं पड़ने वाला और ये एक चिंताजनक बात है। उन्होंने कहा कि ओवर जो होता है उसमें डिले होने पर पेनाल्टी लगाई जाती है, कप्तान पर दूसरे मैच के बाद फाइन लगाया जाता है, एक मैच बैन कर दिया जाता है। वो इसलिए होता है ताकि कप्तान के दिमाग में उस बात का डर रहे, तो वो टाइम वेस्ट ना करें, जल्दी जल्दी चीजें करें जिससे समय जाया ना हो क्रिकेट का, बीसीसीआई का, और सारी चीजें सुनिश्चित हो। तो वो डर पैदा करना बहुत जरूरी है और विराट कोहली और गौतम गंभीर के अंदर वो डर नहीं है। वो 2013 में लड़ चुके हैं तब भी काफी थूथू हुई थी, वो 2016 में 2 बार लड़ चुके हैं तब भी काफी हुई थी, और विराट लगातार लोगों से लड़ रहे हैं, गंभीर की भी आदत हो गई है। तो ऐसे में दिल्ली वाले लोगों को जो क्रिकेट जेंटलमैन गेम को थोड़ा बदनाम कर रहे हैं उन्हें सबक सिखाए जाने की जरूरत है, और ये काफी हद तक वैलिड भी कि अगर आप 2 मैच का भी आप बैन लगा दें, 3 मैच का बैन लगा दें, तो अभी इनकी टीमों की भी हालत खराब हो जाएगी और उसके बाद खिलाड़ी जो है वो भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं करेंगे। उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि हरभजन सिंह और श्रीशांत के बीच में जो विवाद हुआ था उसमें एक तो हालांकि तब टीवी कैमरे पर दिखाया नहीं गया था, श्रीशांत बाद में रोते हुए नजर आए थे, बाकी शॉट्स नहीं आए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि उस दौरान जो कुछ हुआ था उसमें भी बैन लगा दिया गया था और उसके बाद हाथापाई वाली सिचुएशन नहीं देखने को मिली। हालांकि आपको बता दें कि गंभीर और विराट के बीच में जो बातचीत हुई थी उसका ऑडियो जो है अब निकलकर उसकी बातचीत निकलकर आ गई है। हुआ कुछ ये था कि गौतम गंभीर ने पूछा तू क्या कर रहा था, तूने क्या बोला, तो गंभीर के सवाल पर जवाब आता है विराट कोहली का कि मैंने आपको कुछ नहीं बोला है, मैंने उसको बोला है। तो गंभीर कहते हैं कि वो मेरी फैमिली का हिस्सा है और तू उसे गाली नहीं दे सकता है, जिसके बाद गौतम गंभीर को विराट कोहली कहते हैं तो फिर अपनी फैमिली को समझाइए कि मुझसे मत भिड़ा करें। तो गौतम गंभीर फिर जवाब देते हैं अब तू सिखाएगा मुझे, और ये पूरी घटना जो है ये रिपीट हुई है और ये काइल मेयर्स वाला इंसिडेंट की बात हुई है, जिसमें काइल मेयर्स सवाल पूछने आते हैं गंभीर विराट से कि आप इतनी गालियां क्यों दे रहे थे, तो कहते हैं तू घूर क्यों रहा था मुझे। तो विराट के एग्रेसिव नेचर की चर्चाएं जो है इस अंदर की बातों से निकल कर आई है, जो उनके लिए भी थोड़ा असहज करने वाली बात है। हालांकि पोस्ट मैच विराट कोहली का जो एटीट्यूड निकल कर आया ड्रेसिंग रूम में, जहां पर वो बिना शर्ट के पोस्ट कर रहे थे, ऐसा लगा नहीं कि उन्हें किसी बात का रिग्रेट है, इनफैक्ट उन्हें लगा कि ये शायद सबसे अच्छी चीज है जो कर सकते थे, और उन्होंने कहा जैसा करोगे वैसा मिलेगा।